पैड और मेंस्ट्रुअल कप को लेकर कई औरतों के मन में कई तरह के सवाल आने लगते हैं। इनसे जुड़े कई मिथ भी हैं जिनके चलते औरतें अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा लेती हैं। इसलिए इस सिचुएशन में जानना जरूरी है कि पैड और मेंस्ट्रुअल कप में क्या समानताएं और अंतर है। इसी के जरिए आप डिसाइड कर पाएंगी कि पीरियड्स के दौरान दोनों में से किसका इस्तेमाल बेहतर है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको यही बताऊंगी कि पैड वर्सेस मेंस्ट्रुअल कप में क्या अच्छा होता है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं मेंस्ट्रुअल कप और सैनिटरी पैड क्या होते हैं। तो दोस्तों, सैनिटरी पैड को सैनिटरी नैपकिन या मेंस्ट्रुअल पैड भी कहा जाता है। ज़्यादातर औरतें पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड का ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि सैनिटरी पैड कॉटन या दूसरे फैब्रिक से बनाया जाता है। सैनिटरी पैड लंबा होता है जो 5 से 6 घंटे तक ब्लीडिंग को सोख सकता है और पीरियड्स में निकलने वाले ब्लड को सोखने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन कुछ औरतों में सैनिटरी पैड के इस्तेमाल से तरह तरह की परेशानियां देखी गई हैं, इसलिए वो सैनिटरी पैड को पीरियड्स के लिहाज से सेफ नहीं मानती, क्योंकि सैनिटरी पैड में ब्लड के सोखने के लिहाज से पेट्रोलियम बेस्ड सुपर अब्सॉर्ब्ड जेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सैनिटरी पैड में मौजूद जेल आपके प्राइवेट पार्ट से जाकर चिपकता है, जिससे प्राइवेट पार्ट से निकला हुआ ब्लड सीधे जेल के अंदर जाता है और जेल उसे सोख लेता है। इस कारण से पैड की ऊपरी सतह सूखी रहती है, लेकिन पैड प्राइवेट पार्ट से चिपकने के कारण आपका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से सूख नहीं पाता और प्राइवेट पार्ट के ना सूखने की वजह से आपको फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है। इंडिया में आजकल की औरतों में मेंस्ट्रुअल कप सबसे ज़्यादा कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पैड की तुलना में सबसे ज़्यादा सेफ होता है। मेंस्ट्रुअल कप घंटी के आकार का मुलायम और लचीले लेटेक्स का बना हुआ एक कप होता है, जिसे आप प्राइवेट पार्ट में डालकर पीरियड्स के दौरान निकलने वाले ब्लड को इकट्ठा कर सकती हैं। इसमें जब मेंस्ट्रुअल कप भर जाता है, तब आपको उसे प्राइवेट पार्ट से निकालकर उसमें जमा ब्लड को खाली करना होता है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल कप को फिर से अच्छे से धोकर दोबारा यूज़ किया जा सकता है। वहीं एक रिसर्च में पाया गया है कि पैड और मेंस्ट्रुअल कप की तुलना में मेंस्ट्रुअल कप से लीकेज का रिस्क सबसे कम रहता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि पैड और मेंस्ट्रुअल कप में से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो महंगा है। तो दोस्तों, एक पैड की कीमत लगभग 8 रुपये से 12 रुपये तक होती है, जबकि एक मेंस्ट्रुअल कप की कीमत लगभग 400 रुपये पड़ती है। इस लिहाज से आपको लगेगा कि मेंस्ट्रुअल कप पैड की तुलना में महंगा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपको मेंस्ट्रुअल कप सस्ता पड़ता है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कप को आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण एक बार पैसा लगाने के बाद आपको कई महीनों तक खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होती, जबकि पैड एक बार इस्तेमाल के बाद आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक महीने में पीरियड्स में 10 पैड इस्तेमाल करती हैं, तो आप लगभग 120 रुपये खर्च करेंगी। मेंस्ट्रुअल कप का दाम भले महंगा है, लेकिन कई महीनों के खर्च से छुट्टी तो देगा। आइए अब हम ये जानते हैं कि आखिर पैड और मेंस्ट्रुअल कप में से क्या बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स महिलाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है, इसलिए पैड और मेंस्ट्रुअल कप में ज़्यादातर औरतें पैड का ही इस्तेमाल करती हैं, जिसका कारण ये होता है कि वो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में ज़्यादा जानती नहीं है, जबकि पैड और मेंस्ट्रुअल कप में ज़्यादा सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप ही होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। लेकिन कप का इस्तेमाल करना पैड की तुलना में मुश्किल होता है, इसलिए औरतें पैड को अपनाती हैं। आमतौर पर वैसे तो पैड और मेंस्ट्रुअल कप में से कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको बस पीरियड्स में हाइजीन का ध्यान देना चाहिए। इसलिए पैड को हर 4 से 5 घंटे और मेंस्ट्रुअल कप को हर 8 घंटे के बाद बदल देना चाहिए। इससे आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा किसी भी औरत को पीरियड्स में इनमें से क्या इस्तेमाल करना है, ये तो उनकी सुविधा के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपके पास इससे जुड़ा हुआ कोई भी एक सवाल है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर मुझसे भी पूछ सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर अब आपको ये जानना है कि पीरियड में रिलेशन बनाने से क्या होता है, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोज़ को देख सकती हैं, जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।